आर्ट की फील्ड में जाएंगे कि आपको कोई फ्यूचर ना हो तो मैं भी हर बंदे की तरह माँ बाप के कहने के ऊपर यूटी में चला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चार साल ज़्यादा टाइम कैफेटेरिया में गुजारा सोचता रहा कि मुझे इन चार सालों के बाद करना क्या क्या मैं जॉब करूँगा या मैं फिर किसी एक जगह पर टीचिंग स्टार्ट कर दूँगा या शायद मैं मास्टर्स में एडमिशन ले लूँ लेकिन उन चार सालों के अंदर मैंने ये सोचा कि मैं जॉब नहीं करूँगा अगर मेरा पैशन मेरा ड्रीम एक इंजीनियर नहीं है तो मैं अपने फ्यूचर के अंदर इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा था कि आपने इंजीनियर बनना है मुझे उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपने जॉब करनी है मैंने उनकी बात मानी इंजीनियर बन गया काम ख़त्म हो गया लेकिन उसके बाद मैंने जब टीचिंग फील्ड को स्टार्ट किया क्योंकि कुछ ना कुछ करना पड़ता है आपको लाइफ के साथ चलना है घर वालों को सपोर्ट करना है तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की टीचिंग के अंदर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि हमें कुछ ना कुछ अपने पाकिस्तान के लिए करना चाहिए लेकिन तब तक मैं क्लियर नहीं था कि मेरा वो ड्रीम कि मैं कार्टूनिस्ट या एक आर्टिस्ट बनू कैसे पूरा कर सकता हूँ मैंने इवनिंग के अंदर टीचिंग के साथ कई ड्राइंग स्कूल ज्वाइन किए लेकिन तीन चार दिन जाने के बाद मैं छोड़ देता था रीज़न ये थी कि मैं टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाता था लेकिन चंद सालों के बाद टू के अंदर फेसबुक के ऊपर मेरे भाई के एक दोस्त ने मुझे फेसबुक के ऊपर एक एल्बम टैग किया जो बेसिकली ग्रेफिटी से रिलेटेड था मेरे माइंड में उस ग्रेफिटी को देख के आया कि हम इस ग्रेफिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर ग्रेफिटी क्या होती है क्या कितने वास्ट लेवल पे होती है मैंने ये सोचा कि हमारे मुल्क के अंदर जो वॉल चौकिंग है हम उस वॉल चौकिंग को रिमूव कर सकते हैं ग्रेफिटी एक नेगेटिव चीज़ है वॉल चौकिंग एक नेगेटिव चीज़ है एंड नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव मैंने उस ग्रेफिटी को यूज़ किया उस वॉल चौकिंग को यूज़ किया और पाकिस्तान के अंदर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया लेट्स पेंट पाकिस्तान हम पाकिस्तान को पेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर हम क्यों ना एक ऐसी एक्टिविटी को स्टार्ट करें जहाँ पर हम वॉल चौकिंग को रिमूव करके वहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड किसी ऐसी चीज़ को पेंट करें जो पाकिस्तान के किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो कर सकता हो मुझे लगता था कि शायद मैं ना कर सकूँ मुझे कोई सपोर्ट ना करे और स्टार्ट में मेरे साथ ऐसा ही हुआ मुझे तीन से चार माह लगे जब मैं गवर्नमेंट ऑफिशल के पास जाता था उनको कहता था कि मैं वॉल चौकिंग को रिमूव करके वहाँ पर कुछ चीज़ पेंट करना चाहता हूँ और मुझे हर एक शख्स ये कहता था यार हम ब्लाइंड है अब लोग कैसे करोगे जब लाहौर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ तो अब आप कैसे करना चाहते हो उसको मुझे तीन माह के बाद एन मिला कि मैं एक सिंपल एक सैंपल वॉल को ड्रॉ करूं जहां पर सैंपल वॉल के ऊपर मैं वॉल चौकिंग को रिमूव करके कोई ऐसी चीज पेंट करूं जहां पर ये आइडिया लोगों के सामने आ सके गवर्नमेंट के सामने आ सके आप करना क्या चाहते हो तो मैंने और मेरे दोस्त ने साथ ने गुलबर्ग के अंदर वॉल पेंट की हुसैन चौक के ऊपर जो पाकिस्तान को डिबेट करती थी प्राउड पाकिस्तानी हमने उसका बेसिकली स्लोगन रखा और लकीली गवर्नमेंट को वो चीज़ काबिल कबूल हो गई उन्हें पता चल गया कि हम करना क्या चाहते हैं उन्होंने हमें अलाउ किया फिर एक माह के बाद एन दिया कि पूरे लाहौर में नहीं आप एक पर्टिकुलर एरिया गुलबर्ग के अंदर इसको ट्राई करो फर्स्ट टाइम अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि आपको एनओसी देना है या नहीं देना अलहदुल्ला हमने

डिस्प्ले करना चाहते हैं लोगों के सामने डिस्प्ले करें तो हमने 2010 के अंदर टू डेज में हमने लाहौर के अंदर 57 सेवन वॉल्स को कवर किया जहां वॉल चौकिंग को रिमूव करके हमने पाकिस्तान से रिलेटेड डिफरेंट पॉजिटिव चीजों को पेंट किया और ये फर्स्ट टाइम था वहीं जब हम स्टार्ट करने लगे थे हमारे पास एस सच इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हमने इसको कैसे करना है हमें स्पॉन्सर हंड करने में काफ़ी मुश्किल आई लेकिन स्पॉन्सर भी हमें मिला और उसका भी मेन यही मोटिव था कि आप करोगे कैसे और इन द लास्ट क्या चीज लोगों के सामने आएगी तो फर्स्ट टाइम हमने टू इवेंट को स्टार्ट किया और और हम इसमें हुए। एक छोटी सी वीडियो 2010 के बारे में कि जो वॉल्स हमने पेंट की थी वो बेसिकली किस तरह से लोगों के सामने आएंगे ये कुछ वॉल्स जो हमारे पास थी गुलबर्ग एरिया के अंदर जब हमने स्टार्ट किया इस एक्टिविटी को तो हमने सोचा इसको एक थोड़े बड़े लेवल पे करें सिर्फ गुलबर्ग में नहीं और हमने 250 फिफ्टी वॉल्स को कवर किया 1200 हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व किए ना सिर्फ लाहौर के अंदर लाहौर के अलावा बाकी सिटी से भी और हमने चार एरियाज गड़ीशा धर्मपुरा गार्डन टाउन गुलबर्ग के अंदर इन वॉल्स को पेंट किया और सेम मैसेज लोगों के लिए ये पाकिस्तान बेसिकली है क्या मीन्स पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट होते हैं ठीक है पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है ठीक है अनएजुकेटेड लोग हैं ठीक है, है। पाकिस्तान में इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो लोगों के सामने नहीं हैं हमारे मोनोमेंट्स हैं हमारे पास कल्चर है ट्रेडिशन है हम उन चीज़ों को ग्रेफिटी के थ्रू स्ट्रीट आर्ट के थ्रू लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं हम लोगों का आर्ट वर्क इस तरह से लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं तो ये सेकेंड टाइम हमने किया और इसमें भी हम कामयाब हुए और हमने इसमें एक छोटा सा एक लोकल रिकॉर्ड भी बनाया हर साल जब हम इस एक्टिविटी को करते थे तो हम अपने टारगेट को थोड़ा बड़ा करते थे ये फर्स्ट टाइम अगर हमारे पास फिफ्टी सेवन वॉल्स हैं हमने नेक्स्ट ईयर उनको थ्री टाइम्स बढ़ा किया और दोबारा से हम उसमें कामयाब भी हुए और गवर्नमेंट ने इसको अप्रिशिएट भी किया कि ठीक है आप लोग कर सकते हो और फर्दर भी हम आपको चांस देंगे कि आप काम करो इस पूरी एक्टिविटी के अंदर सिर्फ आर्टिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते कोई एज लिमिट्स में नहीं होती हम इसमें हर तरह के लोगों को चांस देते हैं कि वो लोग आकर पेंट करें चाहे वो एक इंजीनियर है चाहे वो एक आर्टिस्ट है चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो एक प्रोफेशनल है कोई भी आकर स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक आकर यहां पेंट कर सकता है हम इन लोगों को अपने स्पॉन्सर के थ्रू सब चीजें प्रोवाइड करते हैं जो पेंटिंग में रिक्वायर्ड होती हैं चाहे वो टी शर्ट्स कैप्स हैं चाहे हमारे पास पेंट है ब्रशेज हैं लंच है हम हर चीज प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें वो हैसिटेट ना करें कि हमें खुद क्या चीज लेकर आनी पड़ेगी हम ये चाहते हैं कि लोग फिजिकली यहां पर आए जो चीज वो पेंट करना चाहते हैं वो पेंट करें हमने सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड जो हमारा सेशन था हमने धर्मपुरा एरिया के अंदर लॉन्गेस्ट वॉल को पेंट किया वॉल को पेंट करने से पहले हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम कोई रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे कुछ भी ऐसा नहीं था हमारे माइंड में कुछ नहीं था कि कोई रिकॉर्ड एक बनता है या नहीं बनता लेकिन पेंट करने के बाद जब हमने उसको मैयर किया वो नाइन सेवनटी फीट थी और वर्ल्ड वाइड अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड अकेडमी में रिकॉर्ड को देखते हैं तो दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड फीट मीन एक लोकल रिकॉर्ड था जो इतफाकन बन गया और हम एक चीज को सोचते थे कि ठीक है अब एक रिकॉर्ड बन गया अब नेक्स्ट टाइम हम इसको बिगर लेवल के ऊपर करेंगे और हम उसके अंदर भी कामयाब हुए तो थर्ड सीजन के अंदर हमने हर तरह से इस चीज को बढ़ा किया हमने पूरे पंजाब से लोगों को इनवाइट किया कि पार्टिसिपेट करें। इवन पंजाब के अलावा सिंध से और खैबन पखतूनख्वा से भी लोगों ने आकर इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने चार डिफरेंट एरियाज के अंदर 450 फिफ्टी को कवर किया दोबारा हर संडे को हमने लोगों को इनवाइट किया हर चीज प्रोवाइड की जो वो चाहते थे और 2300 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें दोबारा से पाकिस्तान से रिलेटेड चीजों को पेंट किया पॉजिटिव मैसेजेस लोगों को दिए पब्लिक सर्विस भी मैसेज दिए क्योंकि लास्ट ईयर जब पंजाब के अंदर डेंगी का इशू था तो वहां पर काफी हद तक इशू था कि लोगों को क्या करना चाहिए किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए तो हमने इसमें टॉपिक्स वही रखे जो हमारे इन्वायरमेंट को हिट करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमने किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना है तो अब आप ये देख सकते हो कि आप हमारे पास जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये जो भी चीज़ पेंट करते हैं दैट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान हम कोई चीज़ नेगेटिव उनको पेंट नहीं करने देते हमारे माइंड में पहली नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं हम हर एक चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं चाहे वो नेगेटिव हो या ना हो तो हमने लोगों के माइंड को जो रोड पे जाते हैं उनको चेंज करना था और हमने काफ़ी हद तक लोगों को चेंज किया लोग यहाँ पर रुक इन इमेज को देखते हैं और उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें आती हैं इवन हमने नोटिस किया कि एक वालिद अपने बच्चे को साथ चलते हुए ये बताता है कि ये कायद आज़म का मज़ार है या मीनार पाकिस्तान है तो लोगों को एजुकेट भी इस तरह से किया जाता है कि हमारे मुल्क में जो चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं आती वो हैं क्या कई नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप हर दफ़ा एक नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ को क्यों डिपेक्ट करते हो आपके पोलिटिशन जो हैं वो जो करप्शन करते हैं उसको क्यों नहीं करते हो तो मे भी हम उसको ना कर सकें उसकी रीज़न कई है एक तो ये कि हम ख़ुद भी उस चीज़ को पेड़ नहीं करना चाहते जो चीज नेगेटिव है और दूसरी चीज ये कि हमें मे बी वो पेंट करने के बाद गवर्नमेंट अलाउ ना करे कि हम फर्दर अपने इस कैंपेन को जारी रख सकें हम फर्दर वॉल चौकिंग को रिमूव करके वहां पर पाकिस्तान से रिलेटेड पेंटिंग्स को बना सकें थर्ड टाइम जो हमने वॉल पेंट्स की उसमें कुछ वॉल आपके सामने इसी इवेंट के दौरान जिन लोगों ने बेस्ट पेंट किया था हमने उन लोगों को चांस दिया कि वो लोग लार्जेस्ट पेंटिंग ऑफ नेशनल फ्लैग के अंदर पार्टिसिपेट करें मीन्स जिन लोगों के बेस्ट पेंटिंग इनमें से आई हमने ओवरऑल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से थर्टीन हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स को चांस दिया था कि वो लोग आकर एक दिन के अंदर फोर्टी टू थाउजेंड स्क्वेयर फीट पेंटिंग को पेंट करें तो मीन्स हम लोगों को चांस देते हैं कि वो अपने आर्ट को हर तरह से लोगों के सामने लेकर आए हम हम उस आर्ट को यूज़ करते हैं वॉल चौकी को रिमूव करने के लिए भी और इसके अलावा हम उनको प्राइजेस भी देते हैं कि अगर वो पूरा दिन रोड पे खड़े होकर गर्मी के अंदर पेंट करते हैं तो उनका इंसेंटिव क्या होना चाहिए वो क्यों आ रहे हैं ना सिर्फ सिटी को चेंज करने के लिए लाहौर के एक वर्जन को एडवांस करने के लिए बल्कि इसके अलावा इसलिए भी कि शायद वो उस प्राइज मनी को यूटिलाइज कर सकें और कुछ ना कुछ अपने लिए भी खरीद सकें जो टॉपिक्स ओवरऑल आप देखोगे इन वॉल्स के ऊपर अभी भी अगर आप कभी लाहौर में जाते हो तो जोहर टाउन जोहर टाउन के अलावा एबेट रोड रोडन रोड गुलबर्ग गड़ी शाह हर जगह पर आप टॉपिक्स को जब देखते हो तो आपको पाकिस्तान के कल्चर के बारे में चीज़ें नज़र आती हैं हर तरह से मीन्स आप पाकिस्तान में जो मोनोमेंट्स हैं उनको देखते हो कि हमें उन्हें किस तरह से प्रिजर्व रखना है इसके अलावा पीस को रिप्रेजेंट किया जाता है इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो प्रोवेंस के अंदर ऐसी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते जाते हैं उनको हम डिपेंड करते हैं ये तो सारे टॉपिक्स जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड हैं इवन कई ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जहां पर हम वॉल चौकिंग को एमलेट करने का मैसेज लोगों को देते हैं तो ये सब आपके सामने चंद एक पिक्चर्स जो मेरे ख्याल से बेस्ट थी बेस्ट तो सारी थी लेकिन क्योंकि तो वॉल्टियर लोग करते हैं लेकिन उनमें से बेस्ट आपके सामने है ये ग्रेफिटी आर्ट जो एक फॉरेन कंट्रीज में होता है वैसा नहीं है मुझे आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे इतने ज्यादा ग्रेफिटी आर्टिस्ट प्रेजेंट नहीं है हम लोगों को मोटिवेट जरूर करते हैं कि वो स्प्रे पेंट्स को यूज़ करें लेकिन फिर हम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते जो मीडियम वो यूज करना चाहते हैं उस मीडियम को यूज करके आए और पेंट करें हम वॉलेंटियरली इन जजेस को ये हमारे पास चार जजेस जो डिफरेंट सीजन के हमारे साथ होते हैं ये इनसे जजमेंट हम लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे पास विनर्स हैं और ये लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं ये चीज़ हमें ये नहीं कहते कि अगर हमने इस चीज़ को नहीं किया तो आप लोग क्यों कर रहे हो ये तमाम आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये कहा कि आप लोगों के सामने एक वॉल की नई डायमेंशन लेकर आते हो आप लोगों को एक नए आर्ट के बारे में बताते हो लेकिन हमें कोई भी ये कभी नहीं कहेगा कि आप इस चीज़ को रोक दो हमेशा यह कहेगा कि आप नेक्स्ट ईयर भी करो और एक बड़े लेवल पे करो और हवा के साथ देंगे ये वो पेंटिंग जिसका मैंने जिक्र किया कि थर्टीन हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स को हमने चांस दिया था नेशनल हॉकी स्टेडियम में उन पाकिस्तान डे कि वो पेंट करें हमने नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर फिफ्टीन स्ट्रिप्स को जिनका ओवरऑल साइज जो बनता था एग्जैक्टली फोर्टी वन थाउजेंड सिक्स एटी फाइव स्क्वेयर फीट था कि वो आए और एक पेंट करें पूरे के पूरे कैनवस को जो फाइनल एक इमेज लोगों के सामने आए वो क्या है वो बेसिकली पाकिस्तान का फ्लैग हो हर एक टीम ने अपने पार्ट के ऊपर पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी चीज़ को पेंट किया चाहे वो पाकिस्तान का को कोई मोनोमेंट था कल्चर था पाकिस्तान की कोई नेशनल आइडेंटिटी थी लेकिन ओवरऑल जब उसका एक इमेज सामने आया तो बेसिकली वो पाकिस्तान था पाकिस्तान ग्रीन एंड वाइट था मीन्स पाकिस्तान के अंदर हर एक कल्चर है पाकिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेज है लेकिन ओवरऑल हम क्या हैं पाकिस्तानी हैं हम सिंधी नहीं हैं बलोची नहीं हैं ओवरऑल क्या है हम पाकिस्तानी हैं और हम एक प्राउड पाकिस्तानी होते हैं इस चीज़ को बनाने का मकसद क्या था इसको बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम एक बड़ी पेंटिंग बनाए गिनीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दें इसका पर्पज बेसिकली ये था कि लोगों के सामने वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का एक नया इमेज सामने आए पाकिस्तान में कभी पहले इतनी बड़ी पेंटिंग अटैम्प्ट नहीं हुई लेकिन आप जब भी आप गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे लार्जेस्ट पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड आपको पाकिस्तान के मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये बेसिकली एक वो इमेज था जो लोगों के सामने जाता है कि हमेशा आपको इंडिया का हमेशा आपको किसी फॉरेन कंट्री का रिजल्ट ही मिलेगा अब आपको पाकिस्तान का मिलेगा एक टाइम लेस पर हमने बनाया हुआ इसका ओवरऑल कि हमने सेवन जो हमारे आर्ट से पेंटिंग हमने उसे कन्वर्ट किया हुआ इन फोर्टी फाइव सेकेंड्स किस तरह से कंप्लीट हुआ ये लोग नहीं इंसेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे लेकिन कुछ ऐसा ही था इन लोगों को होश नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं धूप थी गर्मी की शिद्दत थी पानी कम था मीन्स पी से रिलेटेड हर चीज़ कम थी पानी कम था पेंट कम था, पेंट कम था इसके अलावा पेट्रोल कम था लेकिन मेरे ले ख्याल ये लोग पैशनेट थे इसलिए पेंटिंग कम्प्लीट हो गई तो वीडियो, वीडियो क्वालिटी, क्वालिटी ख़राब है मेरा कुछ डाटा लॉस हो गया था तो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करके ले आया ताकि आपको दिखा सकूँ कि क्या किया क्योंकि कई लोगों के सामने ये जो एक्टिविटी थी नहीं आई कई लोग इसको शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हो या देखा हो हम ये सब काम कैसे करते हैं मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम डिपेंड करते हैं अपने रिसोर्स के ऊपर हम अपने तमाम मेंबर्स को कॉल करते हैं कि वो एक फंड दें मेंबर्स कौन है स्टूडेंट्स हैं मेंबर्स कौन है वो लोग जो मेरे साथ पढ़ते थे अब किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हैं हम उनको कॉल करते हैं कि फ़ंड दें और फंड के बाद हम इन तमाम प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं हम किसी फॉरेन एड पे डिपेंड नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि हम पहले ये कोशिश करते हैं कि हम खुद क्या कुछ कर सकते हैं हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट हम कितने इनिशियटिवस को स्टार्ट करके उनको पूरा कर सकते हैं इसके अलावा कुरबानी हाइट्स को हम कलेक्ट करते हैं ख़ुद से कुरबानी हाइट्स को सेल करने के बाद हम वहाँ से फ़ंड जनरेट करते हैं मोटिवेशन क्या है हमारी मैंने टेडेक्स लाहौर के अंदर भी एक स्टोरी शेयर की थी शायद मुझे वही स्टोरी आती है क्योंकि मेरे साथ वही स्टोरी हमेशा से चलती है मैं कोई भी अगर स्ट्रीट आर्ट का प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट आगे लेकर जाता हूं तो मेरे सामने वो एक गाय की एग्जाम्पल आती है जो मुझे एक आदमी ने बताई थी कि एक आदमी ने दूसरे से एक शर्त लगाई थी कि आप अगर गाय के गाय को अपने कंधे पे उठाकर छत पे ले जाओगे तो आपको एक जमीन का टुकड़ा मिलेगा उस आदमी ने क्या किया एक गाय का बच्चा लेकर आया डेली उसको उठाता छत पे ले जाता गाय का बच्चा बड़ा होता गया अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती गई और एक दिन आया कि वो गाय को उठा कर छत पे ले गया वो जमीन उसके नाम हो गई मुझे उस आदमी ने ये चीज़ समझाई कि जब आप किसी चीज़ को एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली वो चीज़ जब चीज़ बड़ी हो जाती है तो आपको बड़ी लगती नहीं है क्योंकि आप उस चीज़ के आदि हो चुके होते हो और शायद अब ये चीज़ हमारे अंदर आ चुकी है हम कोई भी चीज़ अगर एक बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वो चीज़ मुश्किल नहीं लग रही होती हम ये नहीं देख रहे होते कि इसके बाद क्या ड्रॉबैक्स होंगे क्या हमारी गलतियां होंगी हम उसको बस कर जाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमने जितने भी स्टार्टअप लिए हम उसमें कामयाब हुए और मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए हमेशा से यही है द ओनली हेल्पिंग एंड इस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ योर आर्म इसको यूटिलाइज करें और पाकिस्तान के अंदर अपने शहर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ